कि मेरा जो गाना इंटरनेशनल लेवल पे विनर हुआ है उसके बिहाफ पे ये अवार्ड मिला है। गाने का नाम है बदनाम हो गया और उस गाने को आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया है। आज मुझे ये दार्शनिक प्रेस मीडिया अवार्ड मिला है, इसके लिए मैं कल्याण जी जाना को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा अभी लगातार गाने आ ही रहे हैं, एक मेरा बहुत शानदार गाना आ रहा है मोरे साजना, वो उसको भी आप सभी लोगों का प्यार मिलेगा ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और अपकमिंग एक प्रोजेक्ट है, मेरी फिल्म है जो 3 लैंग्वेज पे एक साथ आएगी, उसके लिए हम ज़रूर आपसे बात करेंगे। और मैं जानी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये, और मुंडे साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। 20 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, काफ़ी फिल्में की है मैंने। अभी रिसेंटली ऑस्कर के लिए RRR उसके लुक्स मैंने डिज़ाइन किए, संजू बाहुबली, बाहुबली 2, शाहरुख सर अमित जी के लिए, विक्की कौशल सर, रणबीर, रणबीर कपूर, बहुत सारे एक्टर्स के लिए मैंने काम किया। थैंक यू फॉर दिस अवार्ड, थैंक यू सर। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मिला इसके लिए धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को, और हमारे जो मुंडे साहब है इन्होंने हमारे लिए जो इतनी मेहनत की, और जो बैक स्टेज के लिए जो पीछे पर्दे के पीछे जो कलाकार रहते हैं उनके लिए जो ये आगे लाते हम लोग को, क्योंकि जो बैक स्टेज वाले को आगे ला के अवार्ड देना ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए थैंक यू सो मच दादा साहब फाल्के। ये फाल्के पुरस्कार मिलने से और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सिर्फ मनी एक फिल्म किया है, उसमें मैंने गाना गाया है, मैंने ही गाना गाया है सिर्फ मनी, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, राइटर भी मैं ही हूँ, तो मुझे ये अवार्ड मिल गया गाने के लिए। मैं सबका मैं आभारी हूँ, सब रिपोर्टर का भी, सबका, कलाकारों का, और मुझे बहुत खुश हो गया, मैं बहुत खुश हुआ। मैं गोवा से आया हूँ, मेरा नाम सत्यमान नायक है। डीपीएफ में काफ़ी टाइम से मैं डीपीएफ में अवार्ड पे अवार्ड मिलते जा रहे हैं। ग्लोबल एक्सटेंशन ट्रेडिंग सर्विसेज प्राइवेट को एक अवार्ड मिला है, उसके बाद ग्लोबल एक्सटेंशन के स्टाफ को एक अवार्ड मिला है। मैं शुक्रगुजार हूँ कल्याण जी का, काफ़ी टाइम से मेरे साथ वो कनेक्शन में है कि वो जो अच्छा काम कर रहे हैं आज उन्होंने जो ड्रग्स के बारे में या जो बेटी बचाओ के बारे में बता दिया है। मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ, ये ग्लोबल एक्सटेंशन ट्रेडिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यही काम करने जा रही है। 3 साल हो चुके हमारे कंपनी को, 3 सालों में काफ़ी 2000 से प्लस लोगों का हम अच्छे से अच्छे जो भी कुछ है उनका लाइफस्टाइल चेंज करने का हम ये काम कर रहे हैं। ये मेरी पूरी टीम है, मैं आगे से कल्याण जी को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमको बुलाया और हमारा हमको सम्मानित किया। थैंक यू, और ऑल सब मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। पहले तो सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवार्ड मुझे मिला है रामराज सॉन्ग के लिए। रामराज हमारा इस्ता एंटरटेनमेंट रामराज एक सॉन्ग बनाया था जिसे 1 मिलियन लोगों ने देखा है, उसे हमारे योगी जी ने सराहा और मनोज तिवारी जी ने सराहा था। काफ़ी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों ने सपोर्ट किया, नील नितिन मुकेश जी ने सपोर्ट किया, हंसराज हंस जी ने सपोर्ट किया, काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने सपोर्ट किया था। एंड मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और हमारी जो आज की यूथ है उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरह अगर थोड़ा सा मोड़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी की पावर होती है ना उससे आप सबसे ज़्यादा डिप्रेशन से बच सकते हैं। और ये मायावी नगरी में थोड़ा सा लोग डिप्रेस हो जाते हैं, अकेलापन हो जाता है लोगों को, तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप ईश्वर से जुड़े रहें, और जब आप ईश्वर से जुड़े रहते हैं तो आपका बहुत कुछ ईश्वर संभाल लेता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज मुझे बहुत खुशी हुई, मैं पन्ना पवई MP का रहने वाला हूँ। आज मुझे इतने बड़े अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया, मुझे उम्मीद ही भरोसा ही नहीं था, मुझे इतनी बढ़िया हस्तियों के सामने मुझे अवार्ड मिला। मैं MP से हूँ और मैं युवाओं से मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, युवाओं से मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे यहाँ सोशल नेटवर्किंग जो भी लोग काम कर रहे हैं या सोशल वर्किंग का काम कर रहे हैं वो अच्छे तैयारी से करें, अच्छा लगता है गरीबों की मदद करना। कल्याण जी के द्वारा मैंने सुना रोटी कपड़ा मकान, ये स्थिति हर जगह, परेशानी तो हर जगह है, लेकिन युवाओं को सामने आना चाहिए। और दूसरा मेरा एक और है,
कि जो कल्याण जी ने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं एक और नारा जैसा उन्होंने दिया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो अच्छा है, लेकिन बेटियों को सोशल मीडिया से बचाइए, सोशल मीडिया मीन्स कहने का मतलब मेरा इंस्टाग्राम से बचाइए और उनका ख्याल रखिए। और मैं अपने युवाओं को पबई पन्ना के युवाओं से मैं आग्रह करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज मुझे आप लोगों के प्यार और स्नेह से मुझे इतना बड़ा अवार्ड मुंबई जैसे शहर में मिला। धन्यवाद। मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मेरा पहला अवार्ड है बॉम्बे में, एंड मैं काफ़ी टाइम से थिएटर से जुड़ी हूँ, मैं 5 सालों से थिएटर कर रही हूँ और मैं पुनीत सर के साथ जय श्री राम रामायण में एज इन सीता मैंने काफ़ी शोज़ कर रखे हैं, अभी मैंने लेटेस्ट मंदोदरी का भी किया है, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी थिएटर में काम करके इतने सालों से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे ऐसे अटेंशन मिले और इससे भी बड़े अवार्ड्स मिले। ये कल्याण जी जाना जी का ये अवार्ड है और इनको कहा जाता है गरीबों का एक्टर, और सच में गरीबों का एक्टर यानी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो कभी कभी जो हमारी जो ये लाइटें और ये जो चकाचौंध रोशनी और जो हम लोग जो आप जितने भी लोग मोबाइल पर देख रहे हैं और ये जो शो अवार्ड फंक्शन जो देखा है आपने कलाकारों को देखा और आपके मन में जो इच्छा जाहिर हो रही है कि काश मैं उस स्टेज पर जा पाता, उस चकाचौंध रोशनी पर कुछ काम कर पाता, चाहे वो इंडस्ट्री में कोई भी काम करते हैं आप, ये आपके मन में चल रहा है और वो चलने वाला जो है ना, वो चलने के बाद आपके मन में इच्छा होती है कि हम मुंबई जाएं, और मुंबई जाने के बाद आप लोगों को जो है ये बताया जाता है, आप लोग कहीं ना कहीं किसी के चंगुल में फंस जाते हो, तो ये सब कैसे बचे ये तो मैं अपने चैनल पे बताते रहता हूँ। और कल्याण जी जाना ने ऐसे जो है इस तरह के जो लोग काम कार्य कर रहे हैं उनको अवार्ड दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पहले मैंने इनसे मुलाकात की थी और उनका एक इंटरव्यू लिया था और उसके बाद उनको जो भर भर के आप लोगों ने प्यार दिया, और उसी का है कि आप लोग मेरे भी YouTube चैनल को प्यार देते हैं फिल्मी रामा के नाम पर, जहां पर मैं आप लोगों को फिल्म लाइन में कौन कौन सा काम, जो आप लोग केवल सोचते हो कि केवल एक एक्टर का ही काम है, लेकिन आप लोगों को पता है कि 40 अलग अलग प्रकार के काम को अगर आप इस करके अच्छा खासा पैसा इसमें कमा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये अवार्ड देने का, मैं उनको कल्याण जी जाना को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ सर। जी बिल्कुल, मैं कल्याण जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमको समझे एनर्जेटिक एक्टर और युवा के उन्होंने दिया है, इससे मेरा मोड में शूट चल रहा है, लेकिन कल्याण जी ने बोला कि आना ही आना है भैया, हमने ठीक है तो मैं आया और अच्छा लगा, अच्छा कार्यक्रम है, बेस्ट विशेष सर के लिए। वेब सीरीज अभी कर रहा हूँ मैं, हिंदी वेब सीरीज है अमेजोन का, उसका चल रहा है, प्लस अभी मेरा भारत माता की जय जो है रेजिंग पे है, बस चल रहा है, और भी सारी कई फिल्में हैं, बोले चुड़िया बोले कंगना है, काफ़ी सारी भोजपुरी में तो काफ़ी फिल्में, लेकिन अभी फिलहाल वेब सीरीज का शूट चल रहा है मेरा अमेजोन के लिए। जी थैंक यू सो मच जूरी फॉर कंसीडरिंग मी फॉर दिस अवार्ड एंड थैंक्स दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड। आई वुड से दिस फील्स गुड ऑफ कोर्स एंड एज एन एक्ट्रेस इट्स जस्ट द बिगिनिंग, सो फॉर मी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई कुड बी पार्ट ऑफ दिस एंड हियर माई कॉन्ट्रीब्यूशन स्टार्ट्स, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो रेडे, ये कल्याणी जाना ने मुझे जो अवार्ड दिया है दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड, आज मैं बहुत खुश हूँ और कल्याण जाना को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा उनका मैंने स्ट्रगल देख रहा हूँ, 13 साल से वो मेहनत कर रहा है और उन्होंने भी हमारा भी देखा, मुझे भी 35 साल हो गए एज अ मीडिया में काम करते हुए, हमारा जो स्ट्रगल करके करते हुए उन्होंने जो देखा, इसलिए मुझे जो अवार्ड के लिए चुना, बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण जाना, लव यू, थैंक यू। बेस्ट अवार्ड शोज ऑफ द ईयर, और ये केवल फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि समाज के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों को सम्मानित किया गया है, और ये इस तरह के जो अवार्ड फंक्शन है इसके ज़रिए आर्टिस्ट को मोटिवेशन मिलता है, वो आगे अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इसके लिए मैं दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म ऑर्गेनाइजेशन इस संस्था को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और थैंक यू सो मच। बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कल्याण जी को, हमारे दोस्त हैं और ये हमेशा अच्छा अवार्ड शो रखते हैं, बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं, डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को इन्होंने अवार्ड दिया, कलाकारों को दिया, फोटोग्राफर्स को दिया, मीडिया को दे रहे हैं, टेक्नीशियंस को दे रहे हैं,
मैं समझता हूँ कि ऐसे अवार्ड शो होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे क्या जो भी हम काम करते हैं उसको एक प्रोत्साहन मिलता है, एक हिम्मत मिलती है, एक ताकत मिलती है। और ये अवार्ड सिर्फ ऐसा नहीं कि अवार्ड मिल गया है, आगे भी आप अच्छा काम कीजिए ऐसी कोशिश होती है। तो मैं कल्याण जी को, उनकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि ऐसे अवार्ड शो वो करते रहें, लोगों को प्रोत्साहन करते रहें और हम जैसे कलाकारों को अवार्ड देते रहें यही दुआओं के साथ। थैंक यू सो मच। और कुछ? हाँ जी, उत्तम जी ने मैनू अवार्ड दवाया है, पहला अवार्ड मेरा है बॉम्बे दे विच, ते बहुत अच्छा लग रहा। उन्होंने एक वधिया इवेंट ऑर्गेनाइज किया, ते अवार्ड भी लिया, बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी हाँ जी, ओ किन्नी बारी रोके आए जने खड़े नाले में बार ना तू जाया कर, ओ किन्नी बारी टोके आए यारा बेलियां दे कोलों कट पी के आया कर, आही चोरा तेरा खा गया अरकान नू ताला लाई बैठी मैं ते जुबान नू, मापिया ने पुत्ता वांगू पढ़ के हाँ भेजी पर पहला नालों हद हो गई, हद हो गई वे तेरी हद हो गई, फिर मंगदा है माफिया सॉरी बेबी राती थोड़ी वध हो गई। थैंक यू जी, थैंक यू सर। ऑब्वियसली आई एम फीलिंग सो हैप्पी, इवन आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन यू नो वर्ड्स, कि किसी भी इंसान को आप जब यू नो अवार्ड से सम्मान मिलता है, स्पेशली दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, तो उसके बाद शब्द ही ख़त्म हो जाते हैं। और ये अवार्ड जो है ये मेरे लिए एक नई पहचान है, और दिस इज़ फॉर माई पब्लिक एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई यू नो इंस्टाग्राम फैमिली फॉर पब्लिक, सो एंड आई एम हैप्पी यू नो बिकॉज इस वक्त मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं जब मैंने ये इतना बड़ा यू नो अवार्ड जो है रिसीव किया है। तो मैं अपने हस्बैंड जी से कुछ कहना चाहूँगी, प्लीज से समथिंग अबाउट यू नो अबाउट दिस अवार्ड गौरव। यस, इट्स आई कैन से द प्राउड फीलिंग टू हैविंग दिस अवार्ड एंड इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग टू गेटिंग अ दादा साहब फाल्के अवार्ड, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड लव यू। थैंक यू, थैंक यू। ये काफी प्रोग्राम पर रहे हैं, उनके बारे में क्या फीलिंग है आपकी, एक्चुअली यस वो वीडियो काफ़ी वायरल हो चुकी है जो भी मैंने कहा उस वीडियो में अबाउट सलमान खान सिक्योरिटीज़, बट अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट माई वर्ड्स, वॉट एवर आई सेड ट्रू, उसमें कोई झूठ नहीं है। और मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी आप इस इंटरव्यू में कि प्लीज़ जितने भी सुपर स्टार्स होते हैं, प्लीज़ आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके नीचे जो स्टाफ्स हैं वो किस तरीके से आम पब्लिक के साथ, उनके फैंस के साथ बिहेव करते हैं, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सो प्लीज़ आप कहीं ना कहीं बीच बीच में चेक करते रहे कि आप हमारे जो आम पब्लिक है, आप जो फैंस हैं उनके साथ आप अच्छे तरीके से बिहेव करें। शायद ये अगर तरीका या ये जो सिस्टम की जो मैं बात कर रही हूँ, अगर सलमान जी अपनी सिक्योरिटीज से बात करते तो शायद उस दिन वो मेरे साथ इंसिडेंट ना हुआ होता जिसका मैंने जिक्र अपनी वीडियो में किया है। और अ पार्ट ऑफ दैट मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सलमान जी की, और मैं चाहूँगी कि जो है वो ऐसे ही खुश रहे, उनके फैंस की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और फॉर नाउ दैट्स इट, आई एम हैप्पी एंड थैंक यू, थैंक यू। डेब्यू फिल्म मेकर के लिए अवार्ड मिला है, और इस अवार्ड के लिए मतलब दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड मुझे मिला है, तो मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि डेब्यू फिल्म मेकर मतलब ये मेरी पहली फिल्म थी और उसको भी अवार्ड मिला। हमने विडो री मैरिज पर मूवी बनाया है, तो सोशल वर्क जो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं और हमारी फिल्म भी उसी तरह से है, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। थैंक यू, क्योंकि हर एक समस्या को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, लोगों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लेकिन वीडियो को जो प्रॉब्लम होता है वो किसी को बताया नहीं जा सकता, उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। और हिंदुस्तान में तीन तरफ जो समुंदर है उसमें जो फिशरमैन वगैरह है, तो छोटी उम्र में जो फिशरमैन की डेथ होने से छोटी छोटी बेटियाँ होती है वो वीडियो हो जाती है, तो उनकी लाइफ के ऊपर ये पूरा फिल्म बनाया हुआ है, और इसी का मुझे बेस्ट एक्टर और डायरेक्टर का ये अवार्ड मिला है। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली टू मॉडलिंग एंड आई एम अ फैशन इन्फ्लुएंसर आल्सो एंड आई एम इनटू वीडियो क्रिएटिंग द थिंग्स एंड आई एम अ वीडियो क्रिएटर एज वेल।
सो आई एम इन टू मॉडलिंग फ्रॉम लास्ट 6 to 7 years एंड आज कल्याण जी जाना जी को मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस बिग अवार्ड फंक्शन के लिए इन्वाइट किया. थैंक यू सो मच. देखिए कल्याण जी जाना जिस प्रकार से इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई. और महाराष्ट्र और एमपी भी एक ही हिस्सा है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है मध्य प्रदेश यूथ आइकॉन लीडर अवार्ड लेकर. और मैं कल्याण जी जाना की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं और इस मुंबई शहर की मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को कवरेज कर रही है. उन सभी को बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं. मेरी बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे मीडिया कर्मियों को जो है उन्होंने अवॉर्ड दिया है क्योंकि अक्सर हम लोग जो होते हैं कैमरा के उस तरफ होते हैं लेकिन बहुत ही कम मौका हमको मिलता है जब हम कैमरा के आगे की तरफ होते हैं. तो वी ऑल आर वेरी थैंकफुल दिस अवॉर्ड प्रोग्राम और हमें बहुत अच्छा लगा कि आज जो है हम लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं 24 घंटे हम कह सकते हैं कि हमारा फ़ोन चालू रहता है या हम लोगों ने कोविड के टाइम में भी काफ़ी काम किया था जब मुंबई में फ्लड आता है या 2011 जैसी वारदातें होती है तब लोग हम लोग ने काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन बहुत ही कम मौके आते हैं हमारी ज़िंदगी में जब हमको कोई सम्मान करता है. हमको लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब मीडिया कर्मियों को किसी ने आज अवॉर्ड दिया है. देखिए कल्याण जी जो चीज़ कर रहे हैं मेन स्ट्रीम वालों के लिए अमूमन ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के भी जो हौसला अफजाई करना जो है एक आदमी जो है सोचता है वो खुद को बोलते हैं कि मैं गरीबों का एक्टर हूँ. तो कम से कम एक आदमी जो है मेन स्ट्रीम में काम करने वाले जैसे आप लोग सबके बारे में सोचता है एक आदमी और अवार्ड कोई माने नहीं रखता लेकिन एक आदमी का बुलाना और एक आदमी का सोचना वो माने रखता है कि हम लोग जैसे मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उन लोगों को वो याद करते हैं कि हाँ भाई मेहनत करते हैं तो कम से कम आपकी हौसला अफजाई की जाए. तो ऐसे हर एक को सोचना चाहिए जैसे वो सोचते हैं तो और सोच से जो है सोच बदलती है लोगों की. शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया कल्याण जी का. बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने बुलाया और इतना सम्मान दिया. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. याद नहीं करता लेकिन कल्याण जी ने याद किया है और हम न्यूज़ में सारे लोग मिलते हैं जितने रिपोर्टर्स हैं आज इस तरह से अवार्ड में मिले तो बहुत अच्छा लगा. कल्याण जी का थैंक यू. अच्छा लगता है जब आपके काम को एप्रिशिएट किया जाता है आपको सम्मानित किया जाता है. और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्याण जी जिसको ऊपर वाले ने नाम में कल्याण दिया है तो उनका तो कल्याण होना बेहतर ही है. बस यही कहना चाहूँगा वो हमेशा ऐसी वर्क करते रहें और हम जैसे लोगों को सम्मानित करते रहें. धन्यवाद. जल्दी आपको एक बहुत ही अच्छा और शानदार अवार्ड देखने को मिलेगा जो कि हमारे देश के परमवीर चक्र विजेता के ऊपर होगा. बहुत जल्द आपको एक बहुत शानदार शाम मिलेगी. धन्यवाद. सबसे पहले धन्यवाद दिनांक कल्याण जी का फॉर हैविंग मी. मैं फर्स्ट टाइम इनके साथ जुड़ा हूँ और अच्छा लगा यहाँ पे आके. इनका एंबियंस बहुत अच्छा है और लोगों को इतना प्यार देते हैं. इनका जो अंदाज है बात करने का बहुत अच्छा है. तो दिल से धन्यवाद कल्याण जी. थैंक यू. भाई कल्याण जी ने अवॉर्ड दिया है बहुत अच्छा लग रहा है और अभी आगे भी वो डिबो भी अवॉर्ड कर रहे हैं लोगों को जमा करें वही सबसे अच्छी बात है कि चलो सब टेक्नीशियंस को जमा करें अवॉर्ड तो दे दें पूजा जी आगे कुछ करा देगा. मैं शुष्कोटी फ्रॉम कर्नाटका. मैं कल्याणी जी सर को बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा. मुझे उन्होंने दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए इनवाइट किया है बुलाया है. मैं इंटरनेशनल मर्डर और चाइल्ड एक्टर हूँ. मैं इंडिया को थाईलैंड नेपाल दुबई में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ. थाईलैंड में मैंने 7 टाइटल्स जीते. मेरा नाम इमरान गुजराती है. मेरा फाउंडेशन का नाम है ब्रदरहुड मेडिकल एंड वेलफेयर फाउंडेशन. हम ये फाउंडेशन तकरीबन 20 साल से चला रहे हैं जिसके लिए आज कल्याण जी गाया जी ने हमें सम्मान दिया है. मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस मेहनत को 20 साल से जो हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हमारे इसको देख कर उन्होंने हम पे एक ट्रस्ट करके और हमें आज दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा है. मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और थैंक्स अ लॉट आप सब लोगों का कि आप लोगों की हिम्मत और उससे आज हम लोग इतना तरक्की कर पाए. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. दिस इज़ मोहम्मद उमेर. आई एम फ्रॉम हैदराबाद.
वी आर इनटू केटरिंग बिजनेस नोन एज अल महाराजा केटर्स. टुडे वी हैव बीन अवार्डेड फ्रॉम दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स. वी आर थैंकफुल टू दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स फॉर अवार्डिंग अस. वी आर इनटू दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 25 टू 30 ईयर्स एंड काउंटिंग मोर. I am doing this with my father and my brother Mohammad Ashfaq and Mohammad Anas. This is my brother Mohammad Anas Ahmed. I'm his brother and co-owner of Al Maharaja Caterers from Hyderabad. And we have a father with us who have started this business. Hi, Maharaja Caterers se jo Hyderabadi jo khane hain, Hyderabadi biryani, halim. जो वर्ल्ड फेमस है उसका मैं पिछले 50 साल से इसका कैटरिंग कर रहा हूँ हैदराबाद में, पूरे ऑल इंडिया में करता हूँ. और ये मेरे दो लड़के उमेर और अनस. थैंक यू सो मच. मोहन राठौर का सादर प्रणाम आप सभी को जो भी हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं. और सबसे पहले मैं ये गाना एक सुनाऊँगा क्योंकि मैं भोजपुरिया सिंगर हूँ और भोजपुरी ये हमारी पहचान है. और बड़ा ही अच्छा लग रहा है आज दादा साहब फाल्के अवार्ड शो में हमें इस लायक समझा गया और बड़ा ही बढ़िया लग रहा है. काफ़ी प्राउड आई है आज. और कल्याण जी भैया को दिल से धन्यवाद कि आपने हमें उस लायक समझा. एक गाना बस दो लाइन सुनाऊंगा. कमल चीमा एंड मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी, स्पेशली कल्याण जी जना जी को जिन्होंने यहाँ बुलाया और सबसे रूबरू करवाया मुझे. और बहुत स्पेशल अवार्ड है मेरे लिए ऑफकोर्स दादा साहेब फाल्के. एंड ऑलरेडी आई वॉन दिस लास्ट, मतलब अभी 2 महीने पहले मुझे मिला था और आइकॉनिक अवार्ड मिल रहा है, इससे बड़ी क्या खुशी होगी मुझे. थैंक यू मीडिया मिली है. और रामपाल जी और बी एन तिवारी सर को मेरी तरफ से बहुत थैंक यू. और मैंने इंडस्ट्री में बहुत काम किया है और मुझे अवार्ड्स काफ़ी मिले, बट ये मेरी लाइफ का पहला अच्छा अवार्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. सारे अवार्डी जो है और जितने सेलिब्रिटी हैं सब बहुत अच्छे हैं और प्रोग्राम भी बहुत सक्सेस हो गया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है. इसीलिए मैं कल्याण जी को और उनकी पूरी टीम को सबको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ. इसी तरह अवार्ड करते रहो और वो हर तरह से सोशल वर्क भी करते रहते हैं. उनका सोशल वर्क मैंने देखा है, साथ में किया है. कोरोना में उन्होंने फूड जो बांटा था आदर्श नगर सिग्नल पे, वो सब के सामने है. तो ऐसे काम वो करते रहते हैं और उनके सब साथ देना चाहिए. ये आदमी अकेला भागता रहता है, हर जगह मेहनत करता है, तो इसी तरह उन लोग का साथ देना चाहिए. और उनको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग हम लोग सब सपोर्ट करेंगे तो वो एक दिन और कामयाबी हासिल करेंगे. और सबको पूरी टीम को शुभकामनाएँ. आइकन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइज 2023 में आज यहाँ पे अंधेरी में किया है. और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फिल्म जगत के लोग, सोशल वर्कर से जुड़े हुए लोग, सभी को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया. मैं कल्याण जी को इसके लिए धन्यवाद बोलूँगा कि इस तरीके से जो भी समाज में कुछ अच्छा कर रहा है उसको अगर यहाँ पर बुला के प्रोत्साहित कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है. और इस तरीके से जो है ये कार्यक्रम हमेशा करते रहें और जो भी समाज के लोग हैं उनको ऐसे प्रोत्साहित करते रहें. इस प्रोत्साहन से हम सभी को बहुत बल मिलता है और ऐसा लगता है कि यार कुछ और एक जिम्मेदारी मिली है तो हम और कुछ बड़ा करें. इस तरीके से हम सभी करते रहें और कल्याण जी को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई. तो बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने जो वर्क करते हैं, हम लोग जो काम करते हैं, उस काम को प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है. और प्रोत्साहन का जो अवार्ड है एक प्रोत्साहन के रूप में है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ. और ऐसे प्रोत्साहन करें, पत्रकार मीडिया हमेशा आगे बढ़े. पत्रकारों को भी सम्मान की जरूरत होती है, जिस तरह हमें सम्मान करते सारे पत्रकारों को सम्मान होना चाहिए. धन्यवाद. सब पत्रकार भाइयों को पहले नमस्कार कहती हूँ. मैं डॉक्टर भाग्यश्री कुलकर्णी, मेरी एनजीओ है स्नेहदीप फाउंडेशन करके.
और जो रास्ते पे भटकते रहते हैं, जो मेंटली इल लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए मैं काम कर रही हूँ। और इसी काम के लिए ये दादा साहेब फाड़के आइकॉनिक अवार्ड मुझे मिला है और मैं आज बहुत खुश हूँ और कल्याण जी भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो लोगों को चुन चुन के निकालते हैं उनको अवार्ड देते हैं, बस आप लोगों का थैंक यू कल्याण जी जना जी का थैंक यू। जो लोगों को चुन चुन के निकालते हैं उनको ढूंढते हैं कौन किस काबिल है और उनको बुला के यहाँ पे सम्मानित करते हैं। देना चाहूँगी, मेरा नाम उर्मिला वर्मा है, मैं मॉडल एक्टर और अभी मैंने इंटरनेशनल पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था जिसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। सो मैं सेकंड रनर अप हूँ मिसेस इंटरनेशनल आइकन वर्ल्ड 2023। और इसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कल्याण जी का जिन्होंने मुझे ये अवार्ड से नवाजा गया, उसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पंजाबी आज भाई अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है, ये अवार्ड मिला है बेस्ट म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर। फाइनली मैं आप आया, हम 3-4 साल से प्लान कर रहे हैं भैया आप कब आ सकते हो, कभी मैं बाहर, कभी ये दुबई, कभी कहीं। फाइनली मैं अपना 10th दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड ले रहा हूँ 23 का, जो कि हम 18 से प्लान कर रहे हैं। I'm honored to get it. Thank you so much. ऐसे ही मेरे गानों को प्यार देते रहो, ऐसे ही जो फिल्म आने वाली है उसको प्यार देते रहो। थैंक यू सो मच। आप बहुत सारे गाने आ रहे हैं, हमारा एक सेकंड जुलाई को गाना आ रहा है तुम भी पछताओगे, और एक गाना आ रहा है 19 जुलाई को नशा, फिल्म आ रही है बहुत कुछ आ रहा है। रविंद्र भाजी आप साथ रहना है। थैंक यू सो मच। वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर द दादा साहब फाल्के लकी वाइफ एंड माई लकी चाम, दोनों लकी चाम सेम ड्रेस, इनकी ड्रेस मैचिंग मैचिंग होती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच कल्याण जी जिन्होंने मुझे इसमें इनवाइट किया। थैंक यू सो मच कि मुझे इतने सम्मानित लोगों के बीच में बुला के ये अवार्ड मिला। मुझे इंस्टाग्राम आइकन इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं दिल्ली से मुंबई आके ये अवार्ड ले रही हूँ। और ये सब जो भी हुआ है ये मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स की वजह से हुआ है, मेरे इंस्टाग्राम फ़ैन की वजह से। थैंक यू सो मच मेरे जितने भी फैंस हैं इंस्टाग्राम पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से मेरे हाथ में आज ये है। और मैं कोशिश करूँगी आने वाले समय में इससे भी अच्छे अच्छे अवार्ड लेके मैं सम्मानित हूँ। थैंक यू सो मच। आप सबसे पहले हमारे सारे भाइयों का, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल्याण जी आज की डेट में बहुत अच्छे अवार्ड और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े अवार्ड कर रहे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि हर बार की तरह इस बार भी मुझे दार्शनिक बॉम्बे अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, और कल्याण जी जाना DPIF टीम का। और बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह एक मेरी बड़ी अच्छी फिल्म जो सीरियल बॉम्बे बम ब्लास्ट पर आधारित है वो जल्दी इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। ऊपर से सुल्ताना डाकू की शूटिंग स्टार्ट हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका प्यार आशीर्वाद, ऐसे ही जैसे जिस तरह से मुझे दे रहे हैं, देते चले आ रहे हैं, मुझे बस इस तरह से प्यार देते रहें, आशीर्वाद देते रहें, दुआएँ देते रहें। और हमारे साथ में हमारे मीर साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अभी बड़े अच्छे दो म्यूज़िक वीडियो लेके मुझे बनाए हैं, वो बहुत जल्दी इनके चैनल पर इंशाल्लाह वो आएंगे, तो आप सबको बहुत जल्दी वो देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। बड़े अच्छे गाने शूट हैं, म्यूज़िक वीडियो है। तो आप सब बस इस तरह से मुझे प्यार और आशीर्वाद देते रहें, दुआएँ देते रहें। मीर साहब कल्याण जी को बहुत बहुत बधाई, कल्याण जी ऐसे ही करते रहें आगे, अवार्ड शो चलता रहे, और बस हमारी यही दुआ है कल्याण जी के नाम, और उन्होंने इस काबिल समझा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत जल्दी जो म्यूज़िक वीडियो आपके चैनल से प्रसारित होने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ हम लोग म्यूज़िक रिलीज कर रहे हैं, बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप सबको म्यूज़िक वीडियो मेरे साहब के चैनल पे दिखेंगे। तो और आप सबका बस बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार दुआएं आशीर्वाद इसी तरह से देते रहें, लव यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। थैंकफुल हूँ कल्याण जी का और पूरी टीम का जिन्होंने अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, एंड थैंक यू आप लोगों का, आप लोग हमेशा यूँ ही प्यार देते हैं हर जगह पे। मेरी एक फिल्म आने वाली है जिसका होर्डिंग यहाँ पे लगा है, दर्द न जाने कोई हंगामा पे,
अगले महीने। ये कहानी बड़ी ही खूबसूरत है। आज के ज़माने में जैसे कि लड़के लड़कियां हैं घर से दूर आते हैं, अपने माँ बाप की जो चीज़ें उनको फॉलो नहीं करते और जो अट्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ें गलत कर देते हैं, ये उन्हीं के ऊपर बेस है कि हमारे जो घर वाले हैं जो हमसे कहना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने में गलत कदम उठा लेते हैं जिनका बहुत वक्त के बाद हमें पता चलता है जब हम सब कुछ खो चुके होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी और आज तक जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, जितनी भी मेरी वेब सीरीज़ फिल्में आई हैं उसको प्यार दिया है, आगे भी आप ऐसा ही देते रहेंगे। और इस फिल्म की जो प्रोड्यूसर हैं मैडम हमारी आरती शर्मा जी, जिनको मैं बुलाना चाहूँगा कि वो भी कुछ फिल्म के बारे में कहें। मैम जी बताइए। देखिए हमने सबसे पहले तो आप सबको बधाई कि आप हमें इतना मौका दे रहे हैं कि हम आपके सामने आ पाए, और हमारे जो आनंद जी है उनको भी सबसे बड़ी बधाई। और हमने मूवी बनाई है घर देने जाने को है, जो लिव इन रिलेशन के ऊपर है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इस मूवी को देखें, और बहुत अच्छी मूवी है। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया इसलिए कह रही हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ इसलिए कह रही हूँ, बट रियल में एक आज के जनरेशन के लिए ये मूवी रियल में बहुत अच्छी है। आप सभी लोग इस मूवी को ज़रूर देखिए और प्रमोट करिए, और आपके आने वाले बच्चों के लिए भी सबके लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार मेरे कर्ता धर्ता को। भाई मीडिया है ना, वही रातों रात स्टार बनाती है और रातों रात बेकार बनाती है, तो मीडिया को तो पहले पढ़ना पड़ता है। मैं क्या बोलूँ, मैं बताऊँ, मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये, क्योंकि इंडस्ट्री में रहते हुए मैंने मुझे बहुत सम्मान मिला, बहुत अवार्ड मिला, बहुत बड़े बड़े मंच मिले, लेकिन ये सम्मान और ये मंच बहुत स्पेशल है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज्वाइन करने के बाद ये मेरा पहला सम्मान है जो मैं अपने पति सौरव कुमार जी को समर्पित करना चाहूँगी, और थैंक यू बोलना चाहूँगी कल्याण जी का और उनकी वाइफ अंकिता जी का और गौरव शाह जी का, जिन्होंने सम्मान से मुझे सम्मानित किया है। बस बाकी ये कहना चाहूँगी, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ है, नया कदम रखा है पॉलिटिक्स में, उसमें भी अपना प्यार साथ और आशीर्वाद बनाए रखिए। मैडम ये भी यहाँ बात आई कि आप अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे मुंबई में, पता नहीं, मुझे तो नहीं खबर आई। अरे भाई देखिए, इंडस्ट्री में जब आई थी तो मुझे नहीं पता था कि एक गाना एक फिल्म करने के बाद मैं 700 फिल्में करूँगी। पॉलिटिक्स में मैंने कदम रखा है सेवा भाव की नीयत से, बाकी आगे मैं क्या करने वाली हूँ ये मुझे भी नहीं पता। हाँ, अगर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुझे जो भी कहेगी, मुझे जो ऑर्डर देगी वो मुझे करना है, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं पता, मैं बस एक सेवा भाव के नियर से पॉलिटिक्स ज्वाइन की हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहोगे सर? अरे वीडियो बना रहे हैं, वीडियो मोबाइल से वीडियो जी। साइलेंस जी। ये अवार्ड हमारे सामने जो मीडिया हमारे जो दोस्त हैं, मैं आप सभी को ये अवार्ड समर्पित करता हूं, और सिर्फ कल्याण जी जाना के लिए सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा कि जिसने कल्याण जी जाना को नहीं जाना, उसने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को नहीं जाना। क्या बात है, थैंक यू सो मच। आइए कम बैक टू द पॉइंट यार। थैंक यू फॉर द रिकॉग्नाइजेशन। इससे पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो स्टेज हमें कहीं लेकर आके खड़ा कर रहा है। हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हर किसी का काम थोड़ा स्लो होता है, कानून भी थोड़ा स्लो चलता है, पब्लिक भी थोड़ा कम सुनती है, ये हमारा ट्रेंड है इंडिया का। तो एक्चुअली जागरूकता कहाँ से लाएंगे पुष्कर भाई, बताइए, मीडिया बताएगी, मीडिया बताएगी जागरूकता कहाँ से आएगी? जागरूकता वहाँ से आएगी, हेल्प केयर तो हमेशा रेडी है हेल्प करने के लिए, बट समाज को समझना है, खुद की मदद खुद करो, एंड व्हेन यू सी समथिंग इलीगल तो प्लीज़ उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। हर कोई समझता है कि ये उसका प्रॉब्लम है, ये उसका प्रॉब्लम है, कभी किसी ने ये सोचा है कि उसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँ? सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा अगर सब वैसे ही हो जाए? वो मैंने एक IPS ऑफिसर का इंटरव्यू देखा था, जहाँ पे IPS ऑफिसर को इंटरव्यू में पूछा जाता है वाई इंडियन पुलिस सर्विस, क्यों? तो बोलते हैं देश की सेवा करनी है। तो उन्होंने जवाब में ये बोला, देश की सेवा करनी है, यू कैन वर्क इन NGO, यू कैन वर्क एज अ सोशल वर्कर, वाई यू वॉन्ट टू बी ए IPS ऑफिसर? IPS ऑफिसर को भी समाज सेवा का जब नाम लेना पड़ता है तो उसको ये मेंशन करना पड़ता है कि वो समाज सेवा किस आधार पे करना चाहता है। तो हमारी गवर्नमेंट उनके क्वेश्चन में जवाब देती है,
समाज सेवा करना है तो पुलिस डिपार्टमेंट क्यों, एनजीओ में काम करो, सोशल वर्क करो। तो ये तबका इतना आसान नहीं, यहाँ तक आप पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगी है। मिलती हो दोस्तों, जय हिंद। फल के अवार्ड है और कल्याण जी जाना इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैं इसमें एक क्या बोलेंगे कल्याण जी के बारे में क्या चाहेंगे आप? कल्याण जी जाना बहुत ही मेहनती है और उन्होंने मतलब इतनी टैलेंटेड है कि उन्होंने इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा किया है, तो आज ये माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड जो जिनको भी मिल रहा है उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और आप मेरा अभी परफॉर्मेंस देखेंगे शिव की जोगन जो हमारा सॉन्ग है जो मिलियन मिलियन में हिट हुआ है, लोग पसंद कर रहे हैं, आज उसी सॉन्ग पे मैं और मेरी पूरी टीम शिव की जोगन पे परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो देखिएगा ज़रूर। इसके अलावा आपका कुछ आने वाला कोई प्रोजेक्ट है? इसके अलावा अभी 30 तारीख को इंगवा सॉन्ग है वो रिलीज़ हो रहा है और इसके बाद जो हम लोग वेब सीरीज़ कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे इस तरह के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। इस अवार्ड के बारे में तो बहुत कुछ बहुत अच्छा ही हो रहा है और कल्याण जाना का वो हमेशा हम साथ देते हैं, आगे बढ़े। वैसे ही हमारे भाई आज अवार्ड पाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और शुभकामनाएं मेरी आप लोगों के साथ है। धन्यवाद। आज बहुत अच्छा लगा कि ये अवार्ड से हुआ और हम जैसे कलाकारों को हमारे अंकल जी अप्रिसिएट करते हैं, ये टीम अप्रिसिएट करता है। मैं शायरी के अंदाज़ में कहना चाहूँगा कि अगर हौसला हो नदी में तैरने की तो कश्ती भी मिलेगी, किनारा भी मिलेगा। जीवन में की होगी अगर किसी की मदद तो दो वक्त की रोटी और साथ चलने का सहारा भी मिलेगा। रख हौसला इस जीवन के जंग को जीतने की, एक फोटो पर रख हौसला इस जीवन के जंग को जीतने की, सफल हुए तो ठीक है वरना जीतने का मौका दोबारा भी मिलेगा। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, ऑर्गेनाइजर सभी और सारे एक्टर्स सारे अवार्ड्स विनर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा। धन्यवाद। बस यही कहूँगी कि मैं मतलब इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है अवार्ड लेकर और आप सभी को थैंक यू सो मच। और ये सब पॉसिबल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम, तो मैं अपनी मॉम को थैंक्स कहना चाहूँगी। और मैं हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड से, तो वहाँ से मुंबई तक की जो जर्नी रही है मेरी काफ़ी मतलब कुछ सीखने को मिला है और काफ़ी चीज़ें मैंने अचीव किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। सूफी सिंगर हम सिंगर हैं, असल इंसाइडर, बाकी आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको बताना है, पूछेंगे तो बता देंगे। थैंक यू। हम लोग अच्छा सिंगिंग सिंगिंग के ऊपर मिला, लिरिक्स एंड सिंगिंग के ऊपर, और मेरे भाई को सिंगिंग के ऊपर मिला। और मुझे बेस्ट अचीवमेंट एक्ट्रेस के मतलब मुझे अवार्ड मिला हुआ है, इनको सिंगिंग के अवार्ड मिले हुए हैं और इनको भी सिंगिंग का। कल्याण जी तो बहुत अच्छे काम, उनके पास हम लोग मिले थे जाके, तो उनका जो भी हम लोग उनका सुना, उनका जो पब्लिक को लेके ऐसा नशे को लेके और जो नारी शक्ति को लेके जो उनका सोच है वो बहुत अच्छा लगा। मैं उनसे मिले थे जब उनके बारे में जाने हम कि उनका क्या सोच है आगे और कुछ कुछ और भी इवेंट सोचे हैं कि वो आगे जाके मतलब जो अभी रोड में नशा के लिए कुछ कुछ करने वाले हैं वो सब चीज़ बहुत अच्छा लगा सुन के। और ये इतना बड़ा शो करवाना कल्याण जी फॉर इन्वाइटिंग मी, थैंक यू सो मच आइकॉनिक अवार्ड, थैंक यू सो मच माई इंस्टा फैमिली जो आपने मुझे इधर तक इतना काबिल समझा, और ज़्यादा प्यार दो ऐसी और ज़्यादा हम लोग अवार्ड ऐसी, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सभी को, आप सभी को, और थैंक यू प्रेस मीडिया, बहुत खुशी की बात है। और मुझे आज दरअसल अवार्ड भोजपुरी इंडस्ट्री में आइकॉनिक अवार्ड से नवाजा गया है, तो सभी को थैंक यू सो मच। एक लाइन में दादी जी का अच्छा एक लाइन पूछती मैं अच्छा तो एक मेरा बहुत ही प्यारा गाना आया था, वो मैं दो लाइन आपको जरूर गा लेती हूँ कि खोल के बढ़िया धनिया
ताके ले दोवरिया पिया मोरिया बत हुई है, हो राजा मोरिया बत हुई है। लूट बाद सावन के बहार पिया मोरे आवत हुई है। खोल के बढ़िया धनिया खोल के बढ़िया धनिया ताके ले दुवरिया पिया मोरे आवत हुई है, हो राजा मोरे आवत हुई है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जितने भी जो न्यूज़ चैनल्स हैं जिनसे मुझे आप सभी देख रहे हैं, जितनी जनता उनको मैं अपना अवार्ड दिया हूँ। दिस इज़ माय अवार्ड जो आज मुझे मिला, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। सबको बहुत बहुत नमस्कार एंड धन्यवाद, पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने माता पिता, गुरु, फिल्म इंडस्ट्री के तमाम म्यूज़िक डायरेक्टर्स, राइटर्स, जितने भी हीरो हीरोइन सबके लिए, जिनके लिए भी मैंने काम किया, जो भी गाने जो हिट हुए, उन सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड। एंड बहुत सारे गाने आप सबने हिट किए हैं, और ऐसे ही और जो है ये सम्मान एक आर्टिस्ट को मिलता है तो उसे बहुत खुशी होती है, और मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच। 2023 का सबसे आखिरी सॉन्ग कौन सा है आपका? 2023 में बहुत सारे गाने आप लोगों ने प्यार दिया, जैसे कि आई थिंक 2023 में पापा जी के गुड़िया है जो एक सॉन्ग आया था, बिल्कुल पापा जी के गुड़िया ही, पिया जी के मुस्की, पलकन की छाँव में भी नया ट्रेंड कर रहा है जो माई फ्यूचर है। बहुत सारे गाने हैं जो अभी तनी देखल करी हमरा के कम जी ना तो हो जाए प्यार, बहुत सारे गाने हैं तो मैं जरूर सुनाती हूँ। पापा हमारे दुनिया, पापा हमारे जान, मम्मी में बसेला हम परा, दोनों जमी से हमरो पहचान, अपना पापा जी की दुनिया हमी। रिसेंट एक सॉन्ग बलकन की छाँव में ट्रेंड कर रहा, आप सब लोगों ने सुना है, उसको बहुत सारा प्यार दिया। एंड पिया जी की मुस्की 100 मिलियन आपने दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपनी प्रियंका सिंह को प्यार दीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और ऐसे ही बहुत सारे सम्मान से देते रहिए। थैंक यू सो मच। गाने आने वाले हैं बहुत सारे फिल्मों के, अभी एक फिल्म आई है एक दिन की सास, जिसमें कि बहुत कमाल का गाना है कि सासू जी के जारी जस कोरोना की बीमारी, और भी तमाम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, बहुत सारी फिल्में अपकमिंग हैं, और मेरे कुछ सिंगल प्रोजेक्ट्स भी हैं जो सभी कंपनियों से आने वाले हैं, सैड सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, सिचुएशनल सॉन्ग्स जो हर फिल्मों में आप सभी सुनते हैं, पूर्वी भी आने वाली है, ये सब बहुत सारे फोक सॉन्ग्स भी आने वाले हैं, ऐसे ही अपनी प्रियंका को प्यार दिया। इसलिए अच्छा लगा कि कल्याण जाधव जी का अवार्ड शो है जो गरीबों के एक्टर हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी होती है कि बड़े अवार्ड शो से बेटर लगता है कि आम इंसान में बाकी आर्टिस्ट के लिए, और ये मीडिया के लिए स्पेशल जो इन्होंने अवार्ड रखा है, तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि आप मीडिया ही हो, आज हमें चमकाते हैं, आप लोग हैं तो हम हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। बस ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा फिल्मी दुनिया से दूर हो गई थी, तभी मैं वापस आ गई हूँ, और 2 साल से जो गणपति के लिए आपको दूर भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, इस बार गणपति आप लोगों को मेरे अंधेरी घर आना, मैं इस मंथ अंधेरी शिफ्ट हो रही हूँ। 1 साल से बैंड्रा चली गई थी, आफ्टर गणपति में बैंड्रा शिफ्ट हो गई थी, तो सारे फिल्मी कॉन्टेक्ट दूर हो गए थे, और 2 साल से आप लोग फैमिली हाउस आ ही रहे थे, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को कोई बारिश या प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वापस मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच। 424 पूछिए क्या बोलना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में, आपको अवार्ड दिया गया सम्मान दिया गया, आज दार्शनिक प्रेस मीडिया अवार्ड मिला है, द ब्लेसिंग्स ऑफ कल्याण जी जाना जी, उनका ये इवेंट है, एंड आई एम सो हैप्पी टू रिसीव अवार्ड। थैंक यू कल्याण जी, आपके अवार्ड फंक्शन हमेशा एक से बढ़कर एक होते हैं, कल्याण जी हमेशा सेलिब्रेट करते हैं टैलेंट्स को, हर क्षेत्र से कहाँ कहाँ से लोग आए हैं उनके अवार्ड सेरेमनी में, सो आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस, बहुत अलग अलग देशों से, अलग अलग शहरों
ठीक है, थैंक यू। कल्याण जी के बारे में मैं यही कहूँगा, इस अवार्ड तो बात की बात है, जो पर्सन है जो काम कर रहा है, हम पहले अवार्ड के साथ उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक चमत्कार का नाम कल्याण जी है। मैं आने वाले कल भविष्य में इससे बड़ा ऑर्गेनाइजर कोई नहीं होगा। जिस तरह से जितना इसके अंदर भगवान ने इतनी ताकत दिया है, इतना प्रेस्टीज है, सुबह से शाम तक मैं तो दुबई में था, ये आदमी दो दिन से सोया नहीं था, खाया नहीं था, मगर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है यार। हम तो जब थक जाते हैं तो कल्याण जी का नाम ले लेते हैं और एनर्जी आ जाती है। ये शो बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, जिसको बुलाना चाहता है वो बुला लेता है, कैसे बुला लेता है ये पता नहीं चलता है। और रियली जितनी तारीफ की जाए कम है, लेस्ली त्रिपाठी की भी जितनी तारीफ करो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। टीजे का अब सभी को पता है, टीजे का मकसद ही जीवन में अवार्ड फंक्शन करना, और जो लोग डिजर्व करते हैं अवार्ड, और मैडम ने जो भी कहा वो भी सेम टू सेम। और अब जल्दी ही जो हमारी फिल्म आ रही है गाली गलौज, मैडम ने मुझे पूछा था 2024 में जनता को क्या दे रहे हैं, 2024 में जनता को क्या दे रहे हैं, कहा गाली गलौज। गाली गलौज फिल्म का नाम, फिल्म में गाली गलौज नहीं है, परिवार की फिल्म है, जैसे गजनी फिल्म में गजनी फिल्म ऐसे ही। तो बढ़िया, और बताइए आप जी। सोच तेरी पड़ गई मोच, लाश शरमना है संकोच, जो भी तुम गाली गलौज कर रहे, सोच तेरी पड़ गई मोच, लाश शरमना है संकोच, ओपन माइक के नाम पर पत्थर पगले गाली गलौज। सर MMS MMS मनोज मुंतशिर शुक्ला, उन्होंने फिल्म लाई है आदि मानव, क्या सर, आदि पुरुष, आदि पुरुष। हाँ, तो मैंने मतलब अपने पड़ोसी को ऐसा सबक सिखा दिया, मैंने अपने पड़ोसी को ऐसा सबक सिखा दिया, कंबख्त को आज ही आदि पुरुष दिखा दिया। तो आदि पुरुष जो है, मुझे लगता है कि पता नहीं किस नशे में मनोज मुंतशिर साहब ने बनाई थी, होश में काम करो बॉलीवुड वालों, वरना प्रादेशिक सिनेमा चाहे बंगाली हो, साउथ हो, मराठी हो, आप पर हावी हो रहा है, और क्यों ना हो, मेहनत करते हो लोग, आप सिर्फ पैसा उड़ाते हैं, पैसा फेंक तमाशा देख, ऐसा नहीं, ऑडियंस आप बहुत समझदार है, दर्शकों को माई बाप समझिए, दर्शकों के सामने जब भी जाइए जिम्मेदारी के साथ में जाइए, और अगर अच्छी फिल्म बनाओगे तो आपकी फिल्म को देखने आएंगे सब महापुरुष, वरना हर फिल्म बनेगी आदि पुरुष। यस, थैंक यू। अब हाँ सर, इस बात का प्रभाव दादा फाल्के साहब आइकन अवार्ड फिल्म फेयर से सम्मानित हुआ है, उसके लिए मैं कल्याण जी को बहुत सारे धन्यवाद बोलती हूँ, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है, और ये सम्मान जो है, जब आपको इस तरह के अवार्ड मिलते हैं तो मैं इसको एक जिम्मेवारी के रूप में लेती हूँ, और मैं एक समाज से भी कहूँ तो मैं हमेशा समाज के बेटरमेंट के लिए कार्य करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी, और आप लोग बस इसी तरीके से अपना प्यार दें हमें और सहयोग दें, मुझे बहुत अच्छा कार्य और करना है। धन्यवाद। अवार्ड मुझे ये गीत लिखने के लिए दिया गया है, मैंने देश के जवानों के लिए गीत लिखा था, देश पर जान लुटाएंगे की सीरीज पे अभी चालू है, आप उसे सुन भी सकते हैं। एक्चुअली मैं बेसिकली मैं PWD में इंजीनियर हूँ, और दिल्ली में जो अभी महाराष्ट्र सदर है उसका इंजीनियर इंचार्ज हूँ, रेसिडेंट इंजीनियर, और उसके साथ साथ गीत लिखने का शौक़ है, काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे मगर अभी चांस मिल गया है, हमारे कई दोस्त इकट्ठे हो गए, जैसे आशीष जी हैं, गुप्ता जी हैं, और एक अतुल गंगवार है, OSD हैं अभी CM साहब के, तो इन लोगों की जरा टीम बनी तो थोड़ा सा वो ग्रो मिल गया हमको आगे बढ़ने का, तो इस तरह से अभी एक दो गीत और भी रिकॉर्ड हुए हैं। सर, जब इस तरह का अवार्ड मिलता है तो कितना काम को बढ़ावा मिलता है, कितना मनोबल बढ़ता है? मनोबल तो बहुत बढ़ता है,
और ये अवार्ड तो इतना बड़ा अवार्ड है कि इससे तो मनोबल और ज़्यादा कितना ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ही सम्मान की बात है ये। शिवाजी महाराज का धन्यवाद देना चाहूँगा। हर साल लगातार अनवरत वो ऐसे टैलेंट्स को खोज के अवार्ड देते हैं जिनको लगता है कि वाकई इनके अंदर कुछ टैलेंट है। हम लोग मीडिया से हैं, आप सभी भाई हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, और हमें ऐसे अवार्ड्स की हमेशा ज़रूरत होती है, प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन ख़ास बात यह है कि जिनके साथ अवार्ड मिला है वो हमारे जेपी जी यहाँ हैं, बहुत कमाल के राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं। इनके कई सारे एल्बम आ चुके हैं और अभी जो आने वाला है वो बहुत कमाल होने वाला है। जैज़िम कंपोज कर रहे हैं उसको और एक से बढ़कर एक गाने आ रहे हैं और बहुत अच्छे सिंगर्स उसे गा रहे हैं। और हम लोग को जो अवार्ड दिया गया है वो कुमार शानू, राकेश बेदी जैसे कमाल के इंसान, कमाल के टैलेंट्स के थ्रू मिला है, जिनको देखकर हम लोग बढ़े हुए हैं, बड़े हैं। और वैसे लोग जब अवार्ड देते हैं तो बहुत इंस्पायर होते हैं हम, और हम चाहेंगे कि आप सभी जो मीडिया के लोग हैं उन सबको भी ऐसे अवार्ड्स मिलते रहें और आप लोग भी प्रोत्साहित होते रहें। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जो इतना प्यार दिए। जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023 है, ये मिलना ही बहुत बड़ी बात है लोगों को। जो मुझे महाराष्ट्र ने प्यार दिया है, यहाँ पे आके जो मुझे मिला है, ये बहुत मेरे लिए गर्व की बात है। और इतने सम्मानित लोग, ये अवार्ड मुझे कुमार सानू जी ने दिया है और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिनके गाने सुन के मैं बड़ी हुई, मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा अवार्ड मिल रहा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ऐसे ही आप अपनी एकता गुप्ता को प्यार दीजिए गाइस, कि आपकी एकता गुप्ता इससे भी अच्छे अच्छे और अवार्ड्स लेके आए। ये तो अच्छा है, इससे और लेके आए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल पर आइए, एक मिनट, 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 एक मि